MCU में ओडिन को नाइन रेल्म का प्रोटेक्टर बताया गया है, लेकिन फिर भी वो दी एवेंजर्स के न्यूयॉर्क बैटल में अर्थ को थैनोस की चित्तौरी आर्मी और लोकी से बचाने क्यों नहीं आता। वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि थॉर 1 में हमने देख लिया था कि थॉर ने बाइफ्रॉस्ट को तोड़ दिया था, जिससे वो लोग नौ ग्रह में से किसी भी जगह आ जा सकते थे। और दी एवेंजर्स 1 में थॉर किस प्रकार बिना बाइफ्रॉस्ट के अर्थ में आता है वो तो लोकी ने खुद हमें मूवी में बता दिया था। बाइफ्रॉस्ट के जाने के बाद सर्वपिता को आपको यहाँ अपनी चहेती पृथ्वी पर लाने के लिए कितनी काली ऊर्जा बटोरनी पड़ी होगी। तो भैया काला जादू करके वो तो पूरी आर्मी को भेज नहीं सकता था, इसीलिए उसने एक ही बंदे को भेजा जो अकेले पूरी चित्तौरी आर्मी के बराबर था, और वो था बिजली का देवता थॉर। तो यानी कि उन्होंने मदद करने की कोशिश की। हम इसमें ओडिन को गलत नहीं ठहरा सकते।